हेलो दोस्तों, मैं हूं अयन। बॉन्साई ट्रिक्स एंड ए लॉट मोर चैनल पर आपका स्वागत है। क्या दोस्तों, आप भी सिर्फ पानी में बिना मिट्टी के साल भर बहुत सारे फ्रेश टमाटर उगाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बिना मिट्टी के किसी भी सब्जियों या फिर प्लांट्स को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस में आप बहुत सारे सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे टमाटर, धनिया, पुदीना और पालक वगैरह, बहुत सारे सब्जी। इस हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस के लिए चाहिए एक बड़ा सा पानी का कंटेनर और एक छोटा सा पॉट। इस पॉट के नीचे बहुत सारे होल्स होना चाहिए ताकि रूट्स आसानी से अंदर जा सके। दोस्तों, बिना मिट्टी के टमाटर उगाने के लिए मैं सैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये टमाटर प्लांट को उगाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्लांट्स को होल्ड करने के लिए। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप ग्लास बॉल या फिर पेबल्स या फिर दूसरा कोई ग्रोइंग मीडियम यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए है। रूट्स तो आसानी से पानी के अंदर चला जाएगा और सारा न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए वो पानी से ले लेगा। दोस्तों, जब भी आप टोमेटो जैसे सब्जियों को हाइड्रोपोनिक्स तरीके में ग्रो करना चाहते हैं, आप कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का ही सीडलिंग लेने का। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टोमेटोज का वैरायटी अवेलेबल है, जैसे चेरी टोमेटो, पाम टोमेटो, सान मार्जानो एट्सेट्रा। लेकिन अगर आप चाहते तो मार्केट में जो टोमेटो मिलता है उसके सीड से आसानी से सीडलिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसको लगा देने के बाद हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करते जाना है, क्योंकि इसके रूट निकलकर नीचे के पानी में जाने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग ही जाएगा। उसी दौरान आप कोशिश कीजिए सैंड को मॉइस्ट रखने का। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स फर्टिलाइजर के बारे में। इसके लिए मैं किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो वर्मी कॉम्पोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका 500 ग्राम लीजिए और 2 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए। इसको अच्छी तरीके से पानी में मिला देने के बाद इसको ढककर छांव में 7 से 10 दिन तक रखना है। सात दिनों बाद देखिए दोस्तों, हमारे हाइड्रोपोनिक्स लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार है। दोस्तों, इसके ऊपर जो फोम आप देख रहे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहा है इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह प्रोड्यूस हो गया है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है। इसको आप प्लास्टिक के बटल में भरकर 3 से 5 महीने तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों इस हाइड्रोपोनिक्स फर्टिलाइजर को 1 लीटर पानी में 50 ml डालना है। मेरा 2 लीटर का कंटेनर है, इसीलिए मैं 100 ml ले रहा हूँ। दोस्तों बिना मिट्टी के टोमेटो उगाने के लिए हफ्तों में एक बार आपको पानी बदल देना है और नए पानी में हाइड्रोपोनिक्स फर्टिलाइजर सॉल्यूशन ऐड करना है। वैसे तो टोमेटो के प्लांट में आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है तो अब हाथ से आसानी से पॉलिनेट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों छोटे से कंटेनर में ही कितने सारे टोमेटोस ग्रो हो चुका है और बहुत सारे टोमेटोस तो ग्रो होना अभी भी बाकी है। क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि टोमेटो को आप हैंगिंग पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं? उसके रिगार्डिंग एक वीडियो मेरे चैनल पर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। और अगर आपके पौधे पर कीड़े वगैरह पेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर आने वाला है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे नए नए बहुत सारे आइडियाज़ के लिए। मैं हूँ अयन फ्रॉम बॉन्साई ट्रिक्स एंड अ लॉट मोर। गुड बाय।